Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, Coordination and Control. The content which are included in this chapter are coordination and control in animal, nerve impulse, evolution of nervous system, human nervous system, receptors, effects of drugs on coordination, chemical coordination, and animal behavior. As you know that we have done coordination and control in our physical classes, so today we are going to start our new topic, that is nerve impulse. What is nerve impulse? The electrochemical signal developed by a neuron for communication is called nerve impulse. Nerve impulse kya hota hai? वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, कोई भी ऐसा मैसेज जो कि हमारा न्यूरॉन क्रिएट करता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स. हमने बात की थी कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है दो तरह के टिश्यू से बना हुआ है, एक है न्यूरॉन एंड द अदर वन इज न्यूरोग्लिया. न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन जो है हमारा एक इलेक्ट्रिकल केमिकल मैसेज क्रिएट करते हैं जिसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं. एंड न्यूरोग्लिया क्या करता है? न्यूरोग्लिया जो है उसको सपोर्ट करता है. सो नर्व इम्पल्स क्या है? इट इज़ द केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल message which is created by our neuron. Most of the neuron develop an impulse in the following way. बहुत तमाम जितने भी हमारे body में neuron है वो जो है उसमें से most of जो है develop करते हैं nerve impulse इन चार तरीकों से. Number one is resting membrane potential. Number two is action potential. Number three is propagation of impulse. And number four is synapse. सो हम इसको डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं कि क्या है. रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल मींस रेस्टिंग मींस यहाँ पे क्या है कि हमारे जो न्यूरॉन है, हमारे रिसेप्टर है, वो क्या है? रेस्ट में है, मतलब यूज़ नहीं हो रहे. मेम्ब्रेन जो है हम किसको कह रहे हैं? जो हमारे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको कह रहे हैं हम. मेम्ब्रेन जो है वो रेस्ट में है. पोटेंशियल मींस एनर्जी, मींस जब कोई मैसेज फॉरवर्ड नहीं हो रहा हमारे न्यूरॉन के जरिए तो उसको हम बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. फिर जब उसमें कोई स्टिमुलस आएगा और उसमें कोई एक्शन आएगा, मींस कोई भी काम स्टार्ट होगा न्यूरॉन में, वर्किंग स्टार्ट होगी, तो उसको हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल. फिर क्या होगा कि वही मैसेज आगे फॉरवर्ड जब होगा, जैसे डायग्राम में अगर ये आगे फॉरवर्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स. अच्छा, साइनैप क्या है? साइनैप जब एक न्यूरॉन किसी दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर करेगा, वो पॉइंट जो है यहाँ पे रेड मार्क हुआ है, ये पॉइंट क्या है? ये है साइनैप. सो अब इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं. रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल, रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल, ये जो है एक डायग्राम जो है, ये क्या है? हमारी एक नर्व की डायग्राम ली हमने, ये कंप्यूट नर्व न्यूरॉन की डायग्राम ली हमने. ये कंप्लीट न्यूरॉन नहीं है क्योंकि इसमें ना डेंड्राइट्स है, ना इसमें जो है एक्सॉन है, पूरा कंप्लीट एक्सॉन नहीं है, ठीक है ना, ना एक्सॉन टर्मिनल है. ये हमने एक पार्ट लिया है, मीन सेंटर का एक पार्ट लिया है. किसका पार्ट लिया हमने? एक्सॉन का पार्ट लिया है. तो इसकी जो अपर ये जो है लेयर है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, इसको क्या कह रहे हैं हम? न्यूरोलीमा. जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में स्टडी किया था कि मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हम इसको सार्कोलीमा कह रहे थे, तो यहाँ पे जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम न्यूरोलीमा कहेंगे. अच्छा, अब क्या होता है इस न्यूरॉन है इसके इस पर क्या होते हैं? कुछ आइंस होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको नजर आएंगे सोडियम आइंस, और अंदर क्या होते हैं? अंदर होते हैं पोटेशियम आइंस. दोनों सोडियम एंड पोटेशियम दोनों आयंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है कि बाहर जो होता है सोडियम आयंस ज़्यादा होते हैं, और अंदर क्या होते हैं? अंदर पोटेशियम आयंस ज़्यादा होते हैं. और इसके अलावा एक इस पर चार्ज भी लगा होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, और इनर पे क्या होता है? माइनस का चार्ज होता है. सो व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? द रेस्टिंग पोटेंशियल डिस्क्राइब द अनस्टिमुलेटेड इनएक्टिव न्यूरोलीमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन मेंटेन अ चार्ज ऑफ -65 mV, वेरिएबल बिटवीन 40 mV टू -90 mV. दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अच्छा, क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये अंदर की जो मेम्ब्रेन है, अंदर का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है. नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे आयंस होते हैं, कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं, प्रोटीन कुछ होते हैं ऐसे कि इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं जो कि अंदर के एनवायरनमेंट को नेगेटिव कर रहे हैं, और बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना. अच्छा, जो सोडियम बाहर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, और जो अंदर पोटेशियम है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर जो चार्ज होगा बाहर पॉजिटिव होगा और अंदर नेगेटिव होगा.
इसके अलावा जब अंदर जो है एक वोल्टेज पाया जाएगा, जब उसको चेक किया गया तो एक वोल्टेज पाया गया। वोल्टेज क्या था, इसकी वेरिएशन क्या थी, -40 मिली वोल्ट से लेकर -90 मिली वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पे होता है, मीन्स वेरिएशन होती है, ठीक है ना। अब क्या है कि हम रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल की बात करें, जब रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल में जब हमारा कोई न्यूरॉन काम नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल अभी आप कुछ नहीं खा रहे तो आपके जो टेस्ट रिसेप्टर है वो वर्क नहीं कर रहे होंगे, वो रेस्ट में है। या फिर अगर आपके रूम में कोई स्मेल नहीं है तो मीन्स आपके जो स्मेल के रिसेप्टर है वो वर्क नहीं कर रहे, तो वो किस में है, वो रेस्टिंग में है, तो उसको हम बोलेंगे रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल। उस टाइम जो आपकी न्यूरॉन की कंडीशन होगी वो कुछ इस तरह होगी, क्या होगा उसमें कि बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा और अंदर क्या होगा, अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। बाहर जो है सोडियम के आयन ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, और अंदर पोटेशियम के आयन ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा उस टाइम जब रेस्टिंग में होगा, तो -65 का वोल्टेज होगा। दिस पोलैरिटी इज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइन्स अक्रॉस द न्यूरोलीमा। ये जो पोलैरिटी है, जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव बाहर जो है पॉजिटिव का आइन्स है, अंदर जो है केमिकल अंदर जो है नेगेटिव आइन साइन है, ये क्यों है, ये पोलैरिटी किस वजह से, क्योंकि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आइन्स की, कि बाहर सोडियम ज़्यादा है और अंदर क्या है पोटेशियम ज़्यादा है। ओके, इट वॉज फाउंड दैट देयर इज अ ग्रेटर कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आउटसाइड दैन इनसाइड द प्लेन, ठीक है ना। वही बात हो गई कि यहाँ बताया गया कि सोडियम आइन जो है बाहर ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू इनसाइड। सिमिलरली पोटेशियम आइन जो है वो क्या होंगे, उनकी कंसेंट्रेशन जो है मच होगी इनसाइड देन द आउटसाइड। जो पोटेशियम आइन्स है वो अंदर ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू आउटसाइड। टूवर्ड द इनर सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन नेगेटिव ऑर्गेनिक आइन्स सच एज प्रोटीन ऑर्गेनिक एसिड आर कंसेंट्रेटेड विच मेक द पोलैरिटी ऑफ न्यूरोलीमा नेगेटिव। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि अब जो है हमने कहा कि अंदर नेगेटिव जो है नेगेटिविटी है, क्यों है, कुछ ऑर्गेनिक आइन्स है यहाँ पे जिसके प्रोटीन ऑर्गेनिक एसिड है कुछ, जो कि अंदर के एनवायरनमेंट को नेगेटिव बना रहे हैं। जैसे कि ये हमारी जो है एक न्यूरोलीमा है, मींस एक न्यूरॉन का पार्ट है, बाहर आप देख रहे हैं कि सोडियम आयन ज़्यादा है और पोटेशियम क्या है, ये पर्पल क्या है, ये पोटेशियम है, पोटेशियम कम है और सोडियम ज़्यादा है। इस तरह अंदर जो है पोटेशियम ज़्यादा है और सोडियम कम है। ओके, इसके अलावा क्या होता है कि द सेल मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन चैनल, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है जो हमारी न्यूरोलीमा है उसमें क्या है, कुछ चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो लिपिड्स से फॉर्म होती है और उसके ऊपर प्रोटीन होता है। तो लिपिड से क्या होता है कि जो जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है और पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लिपिड से डायरेक्टली बाहर जाना इसके लिए मुश्किल होगा, नहीं जाता। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन चैनल बने हुए हैं जिसके ज़रिए जो है ये बाहर जाएगा। अच्छा, ये क्या करते हैं चैनल, दीज चैनल अलाउ सोडियम आइंस एंड पोटेशियम आइंस टू मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये जो चैनल है ये अलाउ करते हैं सोडियम आइंस को और पोटेशियम आइंस को कि वो सेल की मेम्ब्रेन जो है उसको क्रॉस करें, उसे मतलब बाहर अंदर मूव कर सके। फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू वर्ड अ लोअर एज दीज चैनल हैव सेलेक्टिविटी फॉर सर्टन आइंस देयर आर पोटेशियम एंड सोडियम सेलेक्टिव आइंस चैनल। अच्छा, ये जो चैनल होते हैं ये सेलेक्टिव होते हैं, मीन सोडियम के लिए अलग से चैनल होता है और पोटेशियम के लिए अलग से अपना चैनल होता है, ठीक है ना। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये डायग्राम में। अच्छा, ये तो हमारा न्यूरॉन है, ये इसका एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल है और ये डेंड्राइट्स है, ये सोमा मीन सेल बॉडी है। डेंड्राइट्स जो है मैसेज कोई भी स्टिमुलस आता है वो डिटेक्ट करता है, सोमा में आता है, फिर यहाँ से जाके इस एक्सॉन से मूव करता है। मीन्स अगर यहाँ पे कोई स्टिमुलस आया तो यहाँ से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो गई, अब वो जो जा रहा है मैसेज आगे उसको हम बोलेंगे प्रोपेगेशन, और ये जो टर्मिनल्स है यहाँ से वो किसी और न्यूरॉन को ट्रांसफर करेगा, दैट इज़ कॉल्ड साइनेप्स। ये आपको कुछ आपको ये चैनल नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। ये चैनल किसके लिए है, कि ये सोडियम के लिए है और पोटेशियम के लिए चैनल है, इससे पोटेशियम और सोडियम अंदर बाहर जाएगा, मूव करेगा, जब भी इसमें कोई एक्शन आएगा, कुछ मैसेज ट्रांसफर होगा, तो ये आइंस अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। सो व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, द एक्शन पोटेंशियल इज द रिजल्ट ऑफ आइंस मूविंग इन एंड आउट ऑफ द सेल। एक्शन पोटेंशियल कब होती है, जब ये आइंस जो है मूव करते हैं ऊपर अंदर बाहर मूव करते हैं
सेल के, तो इससे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल मीन्स एक्शन आएगा। स्पेसिफिकली इट इन्वॉल्व पोटेशियम्स एंड सोडियम आयंस, इसमें इन्वॉल्व होते हैं पोटेशियम और सोडियम आयंस। द आयंस आर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय पोटेशियम चैनल, ये जो आयंस है ये मूव करते हैं अंदर और बाहर किसके जरिए, चैनल, पोटेशियम चैनल के जरिए या फिर सोडियम चैनल के जरिए जो है अंदर बाहर मूव करते हैं, एंड सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए। इट इज़ टेम्परली लोकलाइज रिवर्सिबल ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द न्यूरोलीमा विच अकर्स वैन न्यूरोलीमा इज स्टिमुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल कोई भी शॉक हो, कोई टच हो, जब भी कोई मतलब स्टिमुलस आता है किसी भी न्यूरोन में तो उसमें एक्शन पोटेंशियल आता है, ठीक है ना। देन क्या है कि अच्छा ये कह रहे हैं कि ये टेम्पररी होता है, मीन्स परमानेंट नहीं होता, जैसे कि एक्शन आएगा तो उसमें चार्ज चेंज होंगे, सोडियम पोटेशियम बाहर अंदर जाएंगे, लेकिन बाद में क्या होगा ये रिवर्स हो जाएगा, अपने दोबारा से अपनी ही कंडीशन में दोबारा से आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है ना, यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ से मीन्स कोई भी स्टिमुलस जब यहाँ पे न्यूरॉन में आया तो क्या होगा, ये मैसेज यहाँ पे मीन्स यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा। पहले हमारे पास हमारा जो मेम्ब्रेन थी कैसे थी कि बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव साइन था, अब ये जो ऑरेंज कलर का है मीन्स ये क्या है, ये मैसेज आया है एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ही मैसेज यहाँ पे आया तो क्या होगा, सोडियम जो पोटेशियम है वो अपने पोटेशियम सोडियम है वो अपने प्रोटीन जो उनका चैनल है उससे जो है अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अंदर की तरफ मूव स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि अंदर पॉजिटिविटी फैल जाएगी, मीन्स अंदर जो है प्लस का साइन आ जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि बाहर पोटेशियम सोडियम ने अपनी सीट छोड़ दी है, तो वहाँ पे अब नेगेटिव का साइन आएगा और अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। और ये कब तक सोडियम बाहर से अंदर आता रहेगा, जब तक यहाँ का वोल्टेज पहले -65 था, जब तक इसका वोल्टेज +40 ना हो जाए। +40 कैसे होगा, पहले जैसे बाहर से फॉर एग्जांपल आ गए 10 सोडियम आए अंदर, तो -65 मतलब -55 हो जाएगा, फिर और 10 आए तो -45, ऐसे करते करते जीरो तक पहुंच जाएगा। जीरो के बाद क्या होगा, +10 +20 देन +40 तक जब यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा तो क्या होगा कि ये सोडियम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अच्छा, जो एक्शन पोटेंशियल है दो स्टेप होते हैं इसमें, एक होता है इसमें पोलराइजेशन, दूसरा होता है रीपोलराइजेशन, ठीक है ना। अच्छा, मीन्स ये अब एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, यहाँ पे ये मैसेज जा रहा है, तो ये जो है साइन चेंज हो गए, सोडियम बाहर से अंदर आ गया और क्या हुआ, अंदर पॉजिटिव साइन हो गया और बाहर क्या हो गया, बाहर नेगेटिव साइन हो गया है जी। अच्छा, ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल द पोलैरिटी ऑफ न्यूरोलीमा फर्स्ट चेंज टू +40 mV, इसको हम डीपोलराइजेशन बोलेंगे, और देन रिस्टोर हो जाएगी टू -65 mV अगेन, इसको हम रीपोलराइजेशन कहेंगे। अच्छा, क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलस कुछ आया, कुछ चेंज आया यहाँ पे, मीन्स फॉर एग्जांपल आप पहले कुछ खा नहीं रहे थे, आपके न्यूरॉन जो है वर्क नहीं कर रहे थे, आपके रिसेप्टर मतलब वर्क नहीं कर रहा था, जो टेस्ट रिसेप्टर है वर्क नहीं कर रहा था। जैसे ही आपने कोई चीज़ खाई, मतलब कोई टॉफी वगैरह कुछ अपने जबान में रखी, तो मीन्स आपके जो टेस्ट रिसेप्टर है वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, मीन्स ये एक्शन पोटेंशियल हुआ। जब एक्शन पोटेंशियल हुआ तो क्या हुआ था कि बाहर से सोडियम अंदर आया और साइन चेंज हुए, अंदर क्या हुए, अंदर जो है पॉजिटिव साइन हो गए और बाहर नेगेटिव साइन हो गए। पहले हमारे पास पॉजिटिव साइन थे बाहर और नेगेटिव अंदर थे, अब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पॉजिटिव साइन हो गए और बाहर नेगेटिव साइन हो गए। अब ये जो कंडीशन है इसको हम कह रहे हैं डीपोलराइजेशन। ये कब तक आएंगे, तब तक ये इसका वोल्टेज +40 ना हो जाए, पहले -65 था, जब तक +40 ना हो जाए तब तक ये मूव करते रहेंगे, ठीक है ना। देन क्या होगा, देन जो है अब जैसे इसको हम डीपोलराइजेशन कह रहे हैं, अब क्या होगा कि अब जो है सोडियम के जब +40 हो जाएगा वहाँ का वोल्टेज, तो सोडियम के दरवाजे बंद हो जाएंगे, अब सोडियम बाहर से अंदर नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, अब जो है पोटेशियम के चैनल खुल जाएंगे, उनके दरवाजे खुल जाएंगे, अब पोटेशियम जो है बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये एरो नज़र आ रहा है कि पोटेशियम अब बाहर जा रहा है, जैसे ही पोटेशियम बाहर जाएगा दोबारा से बाहर ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जो है पॉजिटिव साइन हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा, दोबारा से नेगेटिविटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन को हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। पहले जब साइन चेंज हो रहे थे तो हम उसको कह रहे थे डीपोलराइजेशन, दोबारा से जो अपनी कंडीशन में हुआ गया साइन दोबारा से बाहर प्लस हो गए और अंदर से नेगेटिव हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन, ठीक है ना।
और ये जो एक्शन होता है ये इतना रैपिड होता है, ये बहुत ज़्यादा रैपिड, बहुत जल्दी होता है कि मीन्स ये मिली सेकेंड में ही हो रहा होता है. इट हैपन इन मिली सेकेंड, फ्यू मिली सेकेंड में हो रहा होता है ये पूरा जो प्रोसेस है, ठीक है ना. इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें जैसे कोई कॉम्ब होती है, कॉम्ब के ऊपर अगर अपने फिंगर जो है पेरे तो उसके जो वो जो कांटे लगे होते हैं तो वो क्या होते हैं कि पहले वो टेढ़े होंगे, जैसे ही आप फिंगर को आगे मूव करेंगे तो क्या होगा वो दोबारा से वो जो अपनी पोजीशन दोबारा से ले लेंगे. तो ये सेम ऐसे ही डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन में सेम ऐसा ही है. ओके, प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स. द एक्शन पोटेंशियल डेवलप लोकली स्प्रेड अलॉन्ग द एंटायर न्यूरोलीमा इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स. जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है कि वो जो डेवलप हो रहा है, जो जो डेवलप हुआ था एक्शन पोटेंशियल, वो जो आगे मूव करना स्टार्ट करेगा, मींस फर्दर मूव करना स्टार्ट करेगा, पूरे एक्सॉन में मूव करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स. जैसे कि ये एक एक्सॉन है, ठीक है ना. अब क्या हुआ, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ. जैसे कि आपको पता होगा कि ये एक्सॉन पे अगर कोई शीट लगी होती है तो उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड शीट, ठीक है ना. और जहाँ पे ये सेगमेंट में होती है, जहाँ पे ये नोड है, नोड ऑफ टेनवियर, इसमें क्या होगा कि जो मैसेज ट्रांसफ़र होगा वो यहीं से ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना. मीन्स शीट के ऊपर से ट्रांसफ़र नहीं होगा, जो नोड है यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा. अब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल हुआ, स्टार्ट हुआ. अब क्या करेगा, जैसे ये आगे इसने मूव करना स्टार्ट हुआ, इसको हम बोलेंगे प्रोपेगेशन ऑफ द इम्पल्स, मीन्स जो मैसेज आगे मूव कर. देन है आपके पास साइनेप्स. वट इज साइनेप्स? द रीजन वेयर द इम्पल्स मूव फ्रॉम वन न्यूरोन टू एन अदर न्यूरोन इज कॉल्ड साइनेप्स. मीन्स वो रीजन एक साइनेप्स से दूसरे, एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन में जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, वो है साइनेप्स. आपने स्टडी किया था कि पहले हमारे रिसेप्टर से मैसेज डिटेक्ट करते हैं, फिर वो उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं हमारे इंटर न्यूरॉन में या दूसरे न्यूरॉन में करते हैं ट्रांसफ़र, फिर हमारे मोटर न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है. वो जो पॉइंट होता है, जैसे ये हमारे पास क्या है कि एक हमारा जो है इसके ले लें, हमारे पास एक न्यूरॉन है. अब ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है, दूसरे डेंड्राइट्स को जो मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है, इस पॉइंट को जो ट्रांसफ़र जहाँ हो रहा है उस पॉइंट को क्या कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं साइनेप्स कह रहे हैं. इसमें थ्री इसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं. कौन कौन होते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स. प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स द एक्सॉन टर्मिनल, मींस ये आपका एक न्यूरॉन है, इसके ये क्या है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल है. अब क्या हो रहा है कि यहाँ को इसको बोलेंगे हम प्री साइनेप्ट, मींस साइनेप्ट से पहले की जगह, प्री साइनेप्ट मींस साइनेप्ट से पहले. देन है साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ये नैरो स्पेस जो होती है, मतलब एक स्पेस जो होती है इस एक्सॉन के टर्मिनल में और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में, जो थोड़ा सा गैप सा होता है, उसको हम कह रहे हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. देन है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, मींस ये जो टर्मिनल्स थे हमारा, ये प्री था, जो गैप था वो हमारे पास क्लेफ्ट था. जो अब नेक्स्ट जो हमारा न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जो मैसेज जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि हाउ एयर द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है, मे बी मसल भी हो सकते हैं, ठीक है ना. तो न्यूरोलीमा से एक न्यूरॉन है, ये यहाँ पे एक न्यूरॉन ने दूसरे को मैसेज ट्रांसफर किया. अब ये न्यूरॉन किसको, किसी किसी मसल को जब देगा, किसी जो किसी ऑर्गन को जब ये मैसेज देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोटर एंड प्लेट. मोटर एंड प्लेट क्या होता है, जब एक न्यूरॉन किसी और मसल्स, मतलब किसी दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ना दे, किसी मसल को, किसी ऑर्गन को मैसेज दे, तो उसको हम कहेंगे कि मोटर एंड प्लेट. ओके, कैसे होगा ये कि ये जो है आपके पास डायग्राम है, ये जो है एक न्यूरॉन जो है उसके टर्मिनल का एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है ना. एक्सॉन टर्मिनल है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जो है प्रोपगेशन के जरिए यहाँ तक पहुँचेगा. अच्छा, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, जो बीच में ये स्पेस है, ये आपको जो शो हो रही है, तो उसे इसको बड़ा करके शो किया है, तो ये है साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ये प्री साइनेप्ट है, और ये क्या, ये पोस्ट साइनेप्टिक है, और ये जो बीच में गैप है, दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट. अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम के कुछ चैनल होंगे, कैल्शियम के चैनल जो है उसके डोर ओपन हो जाएंगे, और कैल्शियम क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे गैप है. जब गैप है, जब ने आपको पता होगा, जब किसी चीज गैप में, तो हम ये क्वेश्चन है कि कैसे जो है उसमें मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, जब दोनों के बीच में इसके
एक्सॉन में और इसके डेंड्राइट में जब गैप है बीच में जो क्लेफ्ट आ रहा है, तो कैसे मैसेज ट्रांसफर होगा? तो वो कैसे होगा कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे पहुँचेगा, कोई भी मैसेज अंदर पहुँचेगा, कैल्शियम के जो चैनल है वो ओपन होंगे, ऊपर होंगे, कैल्शियम यहाँ से रिलीज़ होगा। यहाँ पे कुछ आपको ये बैग जो है, आपको जो मेम्ब्रेन सी नज़र आ रही है, ये वेसिकल है। इसमें क्या है, इसमें न्यूरो, इसमें कुछ केमिकल है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर है इस बैग में। अब क्या होगा, जैसे ही कैल्शियम यहाँ पर पहुँचेगा, डोर ओपन होंगे, कैल्शियम इनके पास जाके अटैच होगा, ये बैग जो है ओपन हो जाएंगे, ओपन होंगे तो इससे जो केमिकल्स हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये बाहर आएंगे और जो ये मेम्ब्रेन है इसके साथ डिफ्यूज़ हो जाएंगे। जैसे इसका फ्यूज़ होंगे तो क्या होगा, ये इसके ज़रिए इससे बाहर की तरफ मूव करेंगे, बाहर मूव करेंगे तो यहाँ पे जो क्लेफ्ट है यहाँ मूव करेंगे, यहाँ मूव करेंगे तो इससे क्या करेंगे कि जो ये मेम्ब्रेन है मीन्स डेंड्राइट्स है दूसरे जोन के, उसके रिसेप्टर से ये अटैच हो जाएंगे। अटैच होंगे तो क्या होगा, अब जो यहाँ पे पॉजिटिव जितनी भी पॉजिटिव आइंस थे वो क्या करेंगे, वो इसके अंदर मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे मूव करेंगे तो मीन्स ये अब दूसरे जो ये मैसेज है अब दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो गया है। अच्छा, तो ऑलमोस्ट 50 न्यूरोमीटर जो है आइडेंटिफाई कर चुके हैं। कुछ जो न्यूरोमीटर है यहाँ पे वो कौन कौन से हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो कौन कौन से हैं, एसिटाइल कोलिन, नोरएपिनेफ्रिन एंड ग्लेसिन और गाबा एडोपामिन हैव बीन आइडेंटिफाई। इनको मतलब आइडेंटिफाई कर चुका है, आपकी बुक में कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर के नाम दिए गए हैं जो कि इस मैसेज को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और ये सिर्फ जो है जो मैसेज ट्रांसफ़र होगा ये सिर्फ वहीं पे होगा जहाँ पे एक न्यूरॉन का जो वो है डेंड्राइट्स है एक्सॉन है उससे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक मैसेज जो है इन न्यूरोकेमिकल जो ट्रांसमीटर है इसी के ज़रिए जो है ट्रांसफ़र होगा। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन आर ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज विच अकर्स ईदर ड्यू टू इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलाइज, ठीक है ना। कोई भी वो एक्शन जो कि अचानक से होता है मीन्स ऑटोनॉमिक होता है, ऑटोमेटिकली होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलेंट्री मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता, उस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, चाहे वो इंटरनल कोई चेंज हो या कोई एक्सटर्नल चेंज उसके ज़रिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल जो है इसकी एग्जाम्पल है नी जर्क और आई ब्लिंक्स, मीन्स अचानक से आपके जो है ना घुटने में कोई चीज़ टच होती है, आपको पेन होता है तो आप पेन से जो एकदम से अपने घुटने को पकड़ते हैं, या फिर आई ब्लिंक, अचानक से आपकी आइज़ पे कुछ लाइट पड़ती है तो आप फ़ौरन से अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, आप वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक हो जाते हैं। इसी तरह जो है अगर किसी गर्म पानी में आप हाथ, गर्म चीज़ में आप उसको टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने हाथ को एकदम से खींच लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अ रिफ्लेक्स दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, अ रिफ्लेक्स इन्वॉल्व यूजुअली टू न्यूरॉन्स, इसमें दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक है सेंसरी न्यूरॉन एंड द अदर वन इज मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना, दो न्यूरॉन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, वो पाथवे, उस वो रास्ता जिसके ज़रिए ये रिफ्लेक्स एक्शन मूव कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ओनली वन साइनैप इज इन्वॉल्व, सो अगर इसमें कोई एक साइनैप इन्वॉल्व हो मीन्स एक जो न्यूरॉन किसी दूसरे एक ही न्यूरॉन को मैसेज दे रहा हो, मतलब उसके बाद किसी और न्यूरॉन के पास ना जा रहा हो, तो उसको क्या हो रहा है कि उसको हम बोलते हैं मोनोसाइनैप्टिक। बहुत सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो है पॉलीसाइनैप्टिक्स होता है, ठीक है ना, उन्हें मतलब बहुत सारे न्यूरॉन एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उसको हम पॉलीसाइनैप्टिक कहते हैं, तो मीन्स उसमें पॉलीसाइनैप्टिक होता है। अच्छा, मोनोसाइनैप्टिक की एग्जांपल जो है नी जर्क भी है। थैंक यू, ये इट्स ऑल अबाउट नर्व इंपल्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।